अंबाला में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अंबाला छावनी में देर शाम कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं पर गुलाब के फूलों की वर्षा कर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस दौरान अनिल विज ने कार्यकर्ताओं को गृहमंत्री अमित शाह का संदेश देते हुए बताया कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए 75 सीटों का टारगेट किया गया है। वहीं रतनलाल कटारिया ने भी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतों से जीत हासिल करने का दावा किया है। साथ ही साथ रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में जीत दिलाकर संसद पहुंचाने पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। आई अनिल विज का जो नेतृत्व कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और चुनाव में मिल रहा था, उन्होंने इस बात का वर्णन भी किया है कि पार्टी कार्यालय में बैठकर ही सारे बूथों का किस प्रकार से मैंने संचालन किया, ये उसी का परिणाम है कि 30,000 वोटों से यहां से जीत हासिल हुई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी तो ट्रेलर देखा है, फिल्म तो अक्टूबर में चलेगी। चुनाव की तैयारियों को आरंभ कर देना चाहिए, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। और आप जानते हो कि अमित शाह ने ऐसे ऐसे प्रदेशों में जाके कमल खिला दिए जहां पर कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सुलझे हुए हैं। सारा मार्जिन रखते हुए उन्होंने कहा कि 75 का टारगेट, कि अब की बार 75 पार, 75 से भी पार जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।